एवरीवन, ये हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? थोड़ा पेन का कलर में ब्लैक ले लेता हूँ। देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है कि अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अगर हमारा कार्बन कंपाउंड चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या करेगा वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट्स के साथ में करके रिएक्शन करके, मतलब इंटरैक्ट करके वो उसको रोटेट करेगा। इसको कैसे मेजर करते हैं? इसको मेजर करने के लिए हमारा एक टॉपिक होता है, टर्म होता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अभी कैसे मेजर करते हैं, पहले चीज समझ लीजिए कि हमारे पास में एक लाइट सोर्स होता है। ये लाइट सोर्स है, इसके थ्रू इससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है और उसकी डायरेक्शन हर डायरेक्शन में, तो ये हर डायरेक्शन में, ये अनपोलराइज लाइट। क्या है ये? अनपोलराइज लाइट। अगर ये अनपोलराइज है तो हमें इसको पोलराइज करके एक डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, एक प्लेन में लाना। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पोलराइजर। जैसे ही ये पोलराइजर के थ्रू जाता है तो इसकी एक डायरेक्शन इस तरीके से आ जाती है और ये अब हमारा एक पर्टिकुलर प्लेन में हमारी रेडिएशन। ठीक है, तो जैसे ही एक सैंपल ट्यूब के थ्रू पार करेगा, जिसमें सैंपल है, से इसमें लैक्टिक एसिड है, तो अगर इसमें लैक्टिक एसिड है तो ये क्या करेगा? ये इसके थ्रू पास जब करेगा तो ये इस जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है इसको इस डायरेक्शन में मूव कर देगा। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। जैसे ही हमको एल्फा मिला, वैसे ही हमको ये मिला, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व रोटेशन, ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन। ऑब्जर्व इन ऑप्टिकल रोटेशन समझ मिल गई, ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन मिल गई। तो अब इसकी थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो एल्फा है ये डिपेंड करता है लाइट सोर्स पे, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? लैम्डा पे डिपेंड करेगा। मतलब ये जो है ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, फिर ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो ये तो हो गई ऑब्जर्व रोटेशन एल्फा। तो और हमारी स्पेसिफिक रोटेशन क्या रहेगी? स्पेसिफिक रोटेशन जो है टी और लैम्डा पे डिपेंड करेगी। ये जो अल्फा हमने मेजर किया, ये जब हमारी इस कंटेनर के अंदर 1 ग्राम पर एमएम सॉल्यूशन है और इसकी लेंथ कितनी है 1 डेसीमीटर, तब हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। समझ आ गया? अल्फा इज ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन, एल इज ए लेंथ ऑफ ए सैंपल ट्यूब, एंड सी इज ए कंसंट्रेशन ऑफ इट। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज मिल गई तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास में या तो प्लस वाला है कि माइनस वाला है। प्लस वाला का मतलब जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट में मूव करा दे, ये राइट में मूव कराए, और ये लेफ्ट में। राइट का मतलब क्या है? जो क्लॉकवाइज मूव करा दे और या एंटी क्लॉकवाइज मूव करा, ये क्लॉकवाइज मूव कराएगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। तो हमें अब समझ में आ गया कि दो इनिशियस इनिशियमस आपस में किस चीज में वो होते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट वो किस तरीके से प्लेन पोलराइज लाइट से इंटरेक्ट करते हैं उसमें वो डिफर करते हैं। ठीक है, अगर वो डिफर करते हैं तो हम इनको इनेंशियमर्स बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड के दो इनेंशियमर्स पॉसिबल हैं, ये वाला। ठीक है, तो हम बहुत इजीली इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसको देख पा रहे हैं तो अब हम कुछ और थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। तो हमारा जो रेसमिक मिक्सचर्स है, तो रेसमिक का मतलब क्या है कि जो इनिशियमर्स हो गया इसमें पेयर ऑफ इनिशियमर्स होंगे। पेयर ऑफ इनिशियमर्स मतलब अगर हमारे पास प्लस वाला भी है एंड माइनस वाला भी है, अगर ये 50-50% है, 50-50% है, तो इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, और ध्यान रखिए अगर सिर्फ हमारा एक ही है तो उसको इसको बोलेंगे ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड, और इसको अगर ये दोनों 50-50% में है तो रेसिपिक मिक्सचर्स। और रेसिपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि 50% अगर हमारा प्लस है और 50% माइनस है तो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों की ऑलमोस्ट वैल्यू जो है, पीछे अगर हम जाएं इसका माइनस +32 है, -382 है, तो इसकी वजह से भाई जब हम इस प्लेन को लेंगे तो
भाई थोड़ा इधर प्लस माइनस हुआ, प्लस वापस आके वहीं आ गया। इसकी वजह से जो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन जो है, स्पेसिफिक रोटेशन कैंसल ईच अदर एंड रिजल्टिंग इनटू जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस का इसका सिंबल से दिखाते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से है और लैक्टिक एसिड है, तो इसका मतलब हम रेसिनिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेसिनिक मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। अभी पूरा जो टॉपिक है फंडामेंटल्स पे ही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री फंडामेंटल है, तो जितना हम इसको पढ़ेंगे उतना अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट डिफाइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे काम को अप्रिशिएट करते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू।